पाकिस्तान मर रहा है, पाकिस्तान का दम घुट रहा है, पाकिस्तान एक एक दाने को तरस रहा है, उसके बाद भी तड़पते पाकिस्तान पर भारत ने कोई दया नहीं की, क्योंकि भारत का हंटर पाकिस्तान पे दबा के चल रहा है। क्योंकि एक तरफ तो भारत की शेरनी रुचिरा कम्बोज जी ने मरते दम घुटते पाकिस्तान को यूएन में फिर से घसीट लिया, और एक तरफ भारत के अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब जी ने पाकिस्तान की दुनिया के सामने धज्जियां उड़ा दी। तो इसी वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि एस जयशंकर साहब जी ने किस बात को लेकर पाकिस्तान की दुनिया के सामने धज्जियां उड़ाई। उससे पहले आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को रुचिरा कम्बोज जी ने क्यों घसीट लिया। आपको बता दें कि पाकिस्तान इस समय बदहाली से परेशान है। पाकिस्तान की आवाम आटे की शॉर्टेज की वजह से भूखी मर रही है। पाकिस्तान श्रीलंका से भी बुरे हाल में पहुंच चुका है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ कुंवर जावेद बाजवा देश छोड़ के भाग गया है, और इतना होने के बाद भी पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को फंडिंग कर रहा है। और पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर एक से बढ़कर एक आतंकी हमला हुआ है, जिसमें कई आम नागरिकों की भी जान चली गई है। बस आतंकवाद के खिलाफ इसी गुस्से को लेकर भारत की सैन्य रुचिरा कम्बोज जी यूनाइटेड नेशन के अंदर जम के धड़ाड़ी हैं, और पाकिस्तान के साथ साथ सारी दुनिया को भी खरी खोटी सुनाई है, और कहा है कि भारत कई सदियों से आतंकवाद से जूझ रहा है, और सीमा पार के कुछ देशों से भारत में लगातार आतंकी हमले बढ़ रहे हैं। आतंकवाद को लगातार बड़े पैमाने पर फंडिंग की जा रही है, और कुछ देश अपने राजनीतिक फायदे के लिए भारत के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, और उन देशों को ये लग रहा है कि आतंकवाद का मुद्दा अकेले भारत का है। इसलिए इस आतंकवाद के खिलाफ अभी से बड़े कदम नहीं उठाए गए तो वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया आतंकवाद के धमाकों से गूंज उठेगी और लाखों लोग अपनी जान गंवाएंगे, पूरी दुनिया के अंदर दहशत फैल जाएगी। इसलिए सीमा पार से जो देश भारत में आतंकवाद को भेज रहे हैं और आतंकवाद को बड़े पैमाने पर फंडिंग कर रहे हैं, उन देशों को अब दोषी ठहराया जाए, और इसके लिए दुनिया भर के सभी देशों को एक मंच पर एक साथ आना होगा और अपने राजनीतिक फायदे के बिना ही भारत के साथ खड़ा होना होगा। और ये बात तो सब जानते हैं कि भारत में आतंकवाद को कौन सा देश पनपा रहा है, इसलिए अगर ये कदम अब नहीं उठाया गया तो बहुत देर हो जाएगी। और आपको बता दें कि भिखारिस्तान को यूनाइटेड नेशन से ही 10 बिलियन से ज्यादा की भीख मिल चुकी है, और अब इस फंडिंग को भी वो भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेगा। इसलिए अब इंटरनेशनल लेवल पर इस कानून के शासन को लागू करना चाहिए। और आपको ये भी बता दें कि 31 जनवरी को भारत की अध्यक्षता समाप्त हो गई थी, जिसके बाद अब जापान इसकी अध्यक्षता को संभाल रहा है, और जापान की अध्यक्षता हुई इस खुली बहस में ही रुचिरा कम्बोज जी ने मरे हुए पाकिस्तान को घसीट लिया। और अब भारत ने ये साफ कर दिया कि भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले को भारत माफ नहीं करेगा। और वहीं दूसरी तरफ एस जयशंकर साहब जी ने भी पाकिस्तान के साथ साथ यूनाइटेड नेशन की भी धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से अपनी पूरी ताकत के दम पर यूनाइटेड नेशन में अपनी परमानेंट सीट के लिए दावा किया है, उस पे अभी तक यूनाइटेड नेशन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है, और भारत ने हर मुद्दे को पूरी ताकत के साथ उठाया है, फिर वो चाहे ग्लोबल साउथ का मुद्दा हो या फिर आतंकवाद का। इसलिए एस जयशंकर साहब जी ने यूनाइटेड नेशन की धज्जियां उड़ाते हुए कहा है कि जहां तक संयुक्त राष्ट्र का सवाल है तो 1945 में अभिक्रस्त तंत्र इसकी सदस्यता की व्यापक चिंताओं को व्यक्त करने में असमर्थ रहा है, और इसी वजह से विकासशील देशों पर आज भी अत्याचार हो रहा है, और भारत के विकासशील होने की ही सबसे बड़ी वजह है कि भारत को यूनाइटेड नेशन के अंदर परमानेंट सीट नहीं मिल पा रही है। और भारत में बढ़ते आतंकवाद को लेकर भी एस जयशंकर साहब जी ने ये साफ कह दिया है कि भारत में जो देश आतंकवाद को फैला रहे हैं उनसे भारत की खुद की लड़ाई है। इसलिए भारत आतंकवाद के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना के ही रहेगा, क्योंकि भारत के अलावा कुछ और भी देश हैं जो आतंकवाद से परेशान हैं। इसलिए भारत आतंकवाद के बढ़ते खतरे से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, क्योंकि उभरती टेक्नोलॉजी के साथ भारत में आतंकवाद का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि भारत में रिसेंटली डेज में जिस तरीके से ड्रोन के माध्यम से भारत में हथियार और ड्रग्स सप्लाई की जा रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।